আগামীকাল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার পূর্ব বর্ধমান সফর ঘিরে যথেষ্ট সচেতন বর্ধমান জেলা বিজেপির নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, আগামীকাল শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ছাড়াও একঝাঁক বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ব বর্ধমানে আসার কথা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বীরহাটা থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত একটি রোড শো করবেন। তারই পরিদর্শনে আজ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বদের দেখা যায় যে তারা বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ঘুরে পরিদর্শন করছেন। তাই বলা যেতেই পারে আগামীকাল বর্ধমান শহর কার্যত এক বিশাল রাজনৈতিক শো দেখতে চলেছেন। कल देखते हैं कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जयप्र अपने जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है। कल अंडा ला करके वो कठुआ जिले में जाएंगे, वहाँ पर किसान पंचायत में भाग लेकर के 5-10 लोगों से एक एक मुट्ठी अनाज लेने के बाद वो यहाँ पर आएंगे। वर्धमान में उनका कार्यक्रम जो है वो पार्टी ऑफिस से निकल करके उस जगह से जो हमारा ब्रिज है वहाँ से लेकर के ये कर्जन गेट तक यहाँ तक आएंगे। पहले हम लोगों ने ये मंदिर दर्शन के बाद में वहाँ से लेकर कर्जन तक गेट तक का रखा था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्रशासन कमला ने किसी भी तरीके से उसको ये निरस्त किया है। तो हम लोगों ने ये बड़े शहर को ले कर रखा है और ये कार्यक्रम कल बहुत सफल होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पिछली बार आए थे डायमंड हार्बर गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ था उसको लेकर के एक बड़ी नाराजगी है हमारे जनता में और हमारे कार्यकर्ताओं में भी। इसलिए मैंने जहाँ भी बैठक में गया हूँ एक बड़ा संख्या यहाँ पर कल इस रोड शो में रहेगा ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, हम लोगों ने तो प्रशासनिक अमले को यहाँ के प्रशासनिक अमलों को ने हम लोगों ने यहाँ पर इनको लिख करके भी दिया है, वहाँ के लोगों से हमारे नेताओं ने जा करके मिल करके उनको बताने का भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम होगा। ये उनका काम है तो उनको प्रशासनिक उनको सुरक्षा देना, उनकी व्यवस्था करना, ये लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का विषय रहता है, उनको देना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अभी तक की चीज़ों में यहाँ की जो प्रशासनिक अमला जो पश्चिम बंगाल का रहता है ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर गणतंत्र सुरक्षित नहीं है। यहाँ का जो यहाँ की पुलिस विभाग है ये यहाँ की बी टीम के जैसे काम करती है, ऐसा अपने को देखने में आया कि कोई है। चुनाव को लेकर के कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम तो लगातार एक समय से चल रहे हैं। हमने बोला था कि 2019 में टीएमसी हाफ होगी। आप देखें कि हमने 18 लोकसभाएं जीती, एक लोकसभा हम आरामबाग का हम 1100 से हार गए, मालदा हम मात्र 8000 से हम हारे हैं। तो आप उठा करके देखिए कि जिस तरीके की टीएमसी 2019 में हाफ हुई है 2021 में ये साफ होगी। ज़्यादातर टीएमसी के बड़े नेता वो अभी उस टीएमसी को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। आप इसलिए आप देखिए कि सभी तरफ से एक ही आवाज आ रही है, टीएमसी राज जाचे और बीजेपी आज। पूर्व बर्धमान से सुदीप्त राय, रिपोर्ट बेंगल टीवी।